और जब आप गोल सेट करते हैं परेशानियां आती हैं, मुश्किलें आती हैं। मैं अपनी बात को यही खत्म करूंगा कि मुश्किलों के आगे घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं, कुछ पंक्तियां लिखी थी, बिना लड़े मत मरना सीख, बिना लड़े मत मरना सीख, कुछ तो हिम्मत करना सीख, बिना लड़े मत मरना सीख, कुछ तो हिम्मत करना सीख, दुनिया तेरी हो जाएगी, दुनिया तेरी हो जाएगी, दिल में जरा उतरना सीख, दिल में जरा उतरना सीख। और सर ने कहा सफलता क्या होती है, सफलता कुछ पा लेना या किसी को पा लेना, इन दोनों में से कुछ एक जरूर होता है। कुछ लोगों के लिए किसी को पा लेना सफलता है, कुछ लोगों के लिए कुछ पा लेना सफलता है। इसलिए सफलताएं सबके लिए अलग अलग होती हैं और उसको पाने के लिए हर एक तैयारी करनी पड़ती है। आप किसी से मिलने जाएं, जो किसी मैं कह रहा हूं आप वही समझिएगा और कोई किसी मत समझिएगा, उसके लिए आपको सजना संवरना पड़ता है, आपको प्लेसमेंट में जाने के लिए पार्ट ड्रेसिंग के साथ जाना होगा। सो उनसे मिलना है तो पहले, उनसे मिलना है तो पहले पगले खूब संवरना सीख, पगले खूब संवरना सीख, नफरत के चित्रों में अब तू रंग प्यार के भरना सीख, नफरत के चित्रों में तू अब रंग प्यार के भरना सीख। इस दुनिया से बेशक मत डर, कुछ लोग बहुत निडर होते हैं, हम कुछ भी कर देंगे, राउडी होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां कहना चाहूंगा, आगाह करूंगा, इस दुनिया से बेशक मत डर तू, लेकिन खुद से डरना सीख, लेकिन खुद से डरना सीख। महाभारत में प्रसंग आता है, आप सभी को याद होगा, युद्ध के 15वें दिन जब गुरु द्रोण पांडवों की ओर ऐसा रुख अख्तियार कर लिया था कि उन्होंने त्राहिमाम कर दिया था, उस समय हमारे कन्हैया कृष्ण, उनको एक युक्ति सूझी और उन्होंने उस युक्ति को युधिष्ठिर को बताया और यह कहा गया कि अश्वत्थामा मारा गया। जैसे ही ये तीन शब्द गुरु द्रोण सुनते हैं, उन्हें विश्वास नहीं होता और उन्हें ये उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इसको युधिष्ठिर से पूछ के देखता हूं। अब यहां पर लिस्टिंग की कला देखिएगा, अगर आप ठीक से सुनेंगे तो आप सब कुछ कर सकते हैं। गुरु द्रोण युधिष्ठिर के पास जाते हैं, युधिष्ठिर से पूछते हैं क्या ये क्या हो, क्या है, क्या बात चल रही है? तो उन्होंने कहा अश्वत्थामा मारा गया और उधर हमारे कन्हैया ने शंखनाद कर दिया। उन्होंने लिस्टिंग में बैरियर क्रिएट कर दिया और युधिष्ठिर ने झूठ नहीं बोला, युधिष्ठिर ने कहा था अश्वत्थामा मारा गया नरो नकुंजर। और जब प्रैक्टिस की बात करते हैं, अभ्यास की बात करते हैं, मुझे महाभारत का एक प्रसंग और याद आता है, जहां पर गुरु द्रोण जब छोटे बच्चे अर्जुन दुर्योधन कौरव पांडव सब उनके पास सीखने के लिए जाते हैं, तो गुरु द्रोण को, मैं गुरु द्रोण का नाम आज इसलिए मैंने शुभा भी लिया था, इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये गुरु द्रोण की धरती है, ये देवभूमि है और मैं चाहता हूं कि आप ये जाने कि देहरादून में जो गुरु थे, हम कोशिश कर रहे हैं, हम उनके तो बराबर भी नहीं हो सकते, हम कोशिश कर रहे हैं कि वैसी शिक्षा आपको दे सके जो हमारे सारे बैठे हुए बच्चे अर्जुन बन सके। खैर, उसमें गुरु द्रोण को अर्जुन बहुत पसंद थे, सबसे प्रिय थे, उसका कारण यह था कि वो लगातार अभ्यास करते थे और गुरु द्रोण की कुछ और मंशा थी जिसको मैं यहां जाहिर नहीं करूंगा, लेकिन हुआ यूं कि अर्जुन रात में दीपक की रोशनी में अभ्यास करते थे और गुरु द्रोण के पुत्र थे अश्वत्थामा। हो सकता है मुझे कहानी ठीक से पता ना हो, लेकिन इतना जरूर पता है पुत्र का प्रेम सभी के लिए थोड़ा सा ऊपर होता है, शिष्य तो शिष्य होता ही होता है। उन्होंने एक दिन अपनी धर्मपत्नी को कहा कि आप रात में जब खाना खा चुके हो, खाना खा रहे हो, तब ये लाइट बंद हो जानी चाहिए। उनकी धर्मपत्नी ने बोला ऐसा क्यों? उन्होंने कहा जितना मैं कह रहा हूं उतना आप समझिए, इसका कारण मैं कभी आपको बाद में बताऊंगा। और कुछ दिन बाद जब सारे गुरु और शिष्य खाना खा रहे थे, अचानक वो लाइट अपने आप बंद हो जाती है। बंद होने के बाद सबका खाना खत्म होता है और उसके थोड़ी देर बाद अर्जुन जब अभ्यास करने के लिए अपने बाण और अपने धनुष को लेके बाहर जाता है, अभ्यास करता है, गुरु द्रोण बाहर आते हैं, वो पूछते हैं कि
तुम रात में अंधेरे में जहां कुछ दिख नहीं रहा है ये व्यर्थ प्रयास क्यों कर रहे हो? अर्जुन ने कहा, गुरुजी थोड़ी देर पहले ही मुझे कुछ समझ आया है कि जब रात के अंधेरे में जब हम खाना खा रहे थे हमारा हाथ सीधे यानी एक एक निवाला बिना थाली में देखे उस निवाले को मेरे मुंह तक पहुंचा रहा था। इसका मतलब हम लगातार वो संयम वो संयोजन था हमारे दिमाग और उस अभ्यास का जिसकी वजह से एक एक निवाला बिना गिरे बिना किसी समस्या के अगर मेरे मुंह में जा रहा था तो अगर मैं लगातार अंधेरे में प्रयास करूंगा तो कैसा भी तीर चला सकता हूं और कुछ भी अचीव कर सकता हूं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द सजेशन टू ऑल, प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग दैट, करत करत अभ्यास के जड़ मत खोद सुजान। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप किसी भी चीज को करते हैं तो व्यर्थ नहीं जाती, कुछ भी करें जिंदगी में। सारंगी का नाम सुना है आप लोगों ने, सारंगी बजाने वाली वाद्य यंत्र, अब तो आउटडेटेड हो गई। अगर आज के जमाने में बात करें तो एक छोटी सी कहानी है कि राजस्थान के एक छोटे से गांव में दो भाई बहुत अच्छा सारंगी बजाते थे और जब वो बजाते थे तो पूरा देश उन्हें जानता था सुनता था। लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ने अपना खेल किया, टेक्नोलॉजी आगे आई और उन्होंने सारंगी की जगह पर कई और वाद्य यंत्र आने लगे। उसके बाद जो छोटा भाई था उसने वो अपने बड़े भाई से कहता है कि भैया ये काम अब ठीक चल नहीं रहा है और हमारा परिवार भी ठीक से हम चला नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सारंगी वालों कोई पूछता ही नहीं है, पहले तो लोग बुला लेते थे, हमारा परिवार चलता था। तो उसके बड़े भाई ने कहा कि आपने जो सीखा है वो जरूर कभी ना कभी काम आएगा, परेशान ना हो। लेकिन वो नहीं माने और दिल्ली जाके सेटल हो गए, अपना परिवार चलाने लगे। कुछ दिनों बाद अपने बड़े भाई से कहते हैं कि देखा मैंने अपना घर बना लिया दिल्ली में, आप अभी भी सारंगी बजा रहे हो, कुछ नहीं कर पाए। खैर उन्होंने इंतजार किया और उसी को प्रैक्टिस करते रहे। कुछ दिनों बाद बॉलीवुड में कोई मूवी बनने वाली थी और उनको एक सारंगी बजाने वाला एक वादक चाहिए था। पता चला कि राजस्थान में इंसान है जो बहुत अच्छा सारंगी बजाते हैं, उनको ढूंढा गया और उनको ऑफर दिया गया कि आप मेरी इस फिल्म में सारंगी बजाएं और आपको मुंबई में रहने के लिए बहुत अच्छा सा घर यानी विला मिलेगा और आपको बड़े बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आप शिद्दत से अपनी जिस काम को सीखा है जो काम किया है अभ्यास करते रहेंगे तो समय आपके पीछे आ जाएगा आपको आगे करने के लिए। सो प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग एंड डू द बेस्ट थिंग विच यू आर डूइंग। थैंक यू एंड वंस अगेन वेलकम टू क्लास।